मैहर विधानसभा अंतर्गत ग्राम सलैया के ग्रामीणों ने मैहर विद्युत विभाग का किया घेराव। सलैया ग्राम में पिछले एक माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग के सभी उच्च अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से की जा चुकी है, लेकिन एक माह से ऊपर हो जाने के बाद भी आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा, जिससे आक्रोशित होकर आज सभी ग्रामीण मैहर विद्युत विभाग पहुंचकर अपनी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की। और यदि समस्या का निराकरण समय पर नहीं किया गया तो ग्रामीणों द्वारा आत्महत्या करने की धमकी दी गई। अब देखना यह है कि विद्युत विभाग इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है, समस्या का निराकरण होता है कि नहीं। सूखने के कारण सर फसल में आग भी लगा दी है। आपको यदि देखना हो तो स्पष्ट जाकर वहाँ मौजूद देख भी सकते हैं। बिजली न होने के कारण सब आप कर रहे हैं, सब ये बिजली न होने के कारण सब आप कर रहे हैं। बिजली न होने के कारण, बिजली न होने का अपनी अपनी पूरी संपत्ति तो उसी में लगा दी है। हम जाए तो जाए कहाँ, करें तो क्या करें, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है हमारा। दूसरी फसल बोने के लिए पानी ही नहीं है। जब पानी पलेबा लगाएंगे तब ना वो जमीन उठेगी, जब फिर दूसरी फसल गेहूं बोरेगा नहीं। आशा अल्प वर्षा के कारण लेट बोएंगे यदि तो वो कब पकेगा, फिर पानी न पाएंगे वो तो सब फसल सूख जाएगी। मैं मोबाइल चार्ज करने अजमाइन गया था, मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ लाइट नहीं है। बच्चों की पढ़ाई अलग चरपट हो रही है, पलेबा खेत में देना अलग चरपट हो रही है। मेरे गाँव के पाँच पाँच ट्रांसफार्मर पूरे साफ है, दो एक से दे देंगे तो सगले फिर जल जाते हैं, इतना लोड ओवर के कारण। मेरे गांव में पत्रकारों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ एमपीबी के प्रशासन को कि मेरे गांव की पांचों ट्रांसफार्मर नए तत्काल लगवाए जाए, मेरा यही निवेदन है। लाइट आज दो महीने से ट्रांसफार्मर सारे के सारे जले हुए हैं। यहाँ एमपीबी में हम लोग आते हैं, हर बार आश्वासन लेके चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना टी सुनता है। अगर पता चल गया उसको कि गांव से किसान आए हैं तो वो ऑफिस छोड़ के भाग जाता है। आज आप जी साहब के गए थे, नहीं आए जी साहब, नहीं आए, नहीं मिले। उनमें ये बोला गया कि आ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं है। अभी तक बोला गया 15 मिनट में आ रहे हैं और लगभग एक घंटे पूरे हो चुके हैं, तब से हम डी साहब का वेट कर रहे हैं। अभी तक बिल्कुल भी नहीं आए, बिल्कुल एक घंटे में भी नहीं आ पाए हैं। ए हो, जे हो, डी हो, कोई भी प्रॉपर रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं है। सब ये बोल रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर आएंगे तो लगेंगे, कोई ये अवधि नहीं बताने को तैयार है कि एक साल लगेगा कि दो साल लगेगा, कोई भी सीमा नहीं है उसकी। ट्रांसफार्मर ना लगने से क्या क्या समस्याएं जा रही हैं? समस्याएं सारे बच्चों की, किसान जितनी भी फसल थी सब सूख चुकी है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, पढ़ाई लिखाई हर तरह घरेलू सारी व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, हर तरह से इंसान परेशान। एक दो दिन में तीसरा मिले तो वो भी लग जाएगा। एक बात ये बताइए सर कि आपके क्षेत्र में लगातार ट्रांसफार्मर की समस्या क्यों जा रही है? ओवरलोड जा रही है तो फिर खेती नुकसान क्यों है? नहीं, ओवरलोड ऐसा है कि जैसे अब किसी ने कनेक्शन लिया, ओवरलोड है तो ट्रांसफार्मर जब नहीं है तो खेती नुकसान हो रही है, ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस साल तो अल्प वर्षा हुई है, पानी भी नहीं गिरी, इसलिए ओवरलोड बढ़ गया, जस्ट डबल हो गया। अभी तो सब सप्लाई देखे होंगे कितने जम्फर यहाँ से डेली निकलते थे मैहर से।